में जहां आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नादरा और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। चेयरमैन नादरा की वज़ीर आज़म को नादरा की उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 अगस्त तक तहसील सतह पर 40 नए नादरा सेंटर्स खोले जाएंगे। ब्रीफिंग में कहा गया कि आम आदमी की नादरा तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नादरा स्टार्टअप्स की मुआवनत के लिए जदीद एप्लीकेशन मुतारफ करवाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि नादरा FBR की टैक्स वसूली बढ़ाने में मुआवनत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नादरा के इक़दामात को सराहा। आम आदमी को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नादरा और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चेयरमैन नादरा की वज़ीर आज़म को नादरा की उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 अगस्त तक तहसील सतह पर 40 नए नादरा सेंटर्स खोले जाएंगे। ब्रीफिंग में कहा गया कि आम आदमी की नादरा तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नादरा स्टार्टअप्स की मुआवनत के लिए जदीद एप्लीकेशन मुतारफ कराएगा। नादरा FBR की टैक्स वसूली बढ़ाने में मुआवनत करेगा। रजा मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन नादरा की मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान साहब से, और इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर जेर बहस आए हैं। और रवां साल 14 अगस्त तक नादरा तहसील सतह पर 40 नए सेंटर खुलेगा जो आम आदमी की नादरा तक रसाई यकीनी बनाएंगे। मजीद नादरा डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत स्मार्ट एप्स की मुआवनत के लिए एनो वीडियो एक्सटिबिशन मुतारफ कराएगा और ये FBR की टैक्स पे बेस बढ़ाने में मदद करेगा। वजीर ने के इकदाम को सराहते हुए इस अमर पर जोर दिया कि आम आदमी की सहूलियात की फरामी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम ने नादरा चेयरमैन से को हिदायत की कि आवाम की सहूलत के लिए इकदाम किए जाएं और लोगों को शिनाख्ती कार्ड के हसूल में आसानी पैदा करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। जराए का कहना है कि वजीर आजम ने चेयरमैन नादरा से कहा कि मुल्क भर में नादरा के हवाले से किसी किस्म की आवामी शिकायत सामने नहीं आनी चाहिए। जी रजा अवध, ये बताइएगा कि आम आदमी के लिए कितनी सहूलियात हैं इस तमाम तर इकदाम में। जैसा कि मैं हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब वजीर आजम ने कहा है कि PTI हुकूमत का की ये पहली तरजीह है कि नादरा की जो रवा साल 14 अगस्त तक यानी यौम पाकिस्तान तक तहसील सतह पर तमाम 46 नए सेंटर खोले जाए जिसमें आम आदमी की रसाई को यकीनी बनाया जा सके, जिससे आम आदमी को शनाख्ती कार्ड के हसूल में जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। चेयरमैन नादरा को वजीर आजम ने यह भी हिदायत की कि वो कोशिश करें कि हर सतह पर वो खुद जाकर मुआयना करें और ये देखें कि लोगों को किन मुश्किल का सामना है ताकि उनका फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। जी रजा अब्बद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नादरा और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चेयरमैन नादरा की वज़ीर आज़म को नादरा के उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 अगस्त तक तहसील सतह पर 40 नए नादरा सेंटर्स खोले जाएंगे। ब्रीफिंग में कहा गया आम आदमी की नादरा तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नादरा स्मार्ट एप्स की मावनत के लिए जदीद एप्लीकेशन मुतारफ करवाएगा। नादरा FBR की टैक्स वसूली बढ़ाने में मुआवनत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नादरा के इकदाम को सराहा। आम आदमी को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है।